देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। पतंजलि के बालकृष्ण महाराज पहुंचे मुख्यालय। पतंजलि योगपीठ के अध्यक्ष तथा पतंजलि आयुर्वेद के सीईओ एवं योग गुरु बाबा रामदेव के प्रमुख शिष्य आचार्य बालकृष्ण दो दिवसीय दौरे पर ब्रह्माकुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन पहुंचे। संस्था के मुख्यालय पहुंचने पर उनका संस्थान के पदाधिकारियों ने स्वागत किया। इस दौरान राजोगिनी दादी प्रकाशमणि जी की 17वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में ब्रह्माकुमारी के मुख्यालय शांतिवन में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से आए 605 ब्रह्माकुमार भाई बहनों ने रक्तदान किया। शिविर के शुभारंभ पर पहुंचे पतंजलि आयुर्वेद के आचार्य बालकृष्ण महाराज ने कहा कि रक्तदान सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। जो युवा स्वस्थ है उन्हें जरूर रक्तदान करना चाहिए। हर एक व्यक्ति रक्तदान का संकल्प करे तो देश में हर साल रक्त की कमी से होने वाली लाखों मौतों को टाला जा सकता है। आगे मल्टीमीडिया प्रमुख बीके करुणा भाई ने कहा कि संस्था हर क्षेत्र में अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभा रही है। समय प्रति समय रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है, इससे रक्तदान की कमी को दूर करने में मदद मिलती है। तो वहीं ग्लोबल हॉस्पिटल के चिकित्सा निदेशक बीके डॉक्टर प्रताप मिड्ढा, मेडिकल विंग के सचिव बीके डॉक्टर बनारसी लाल, बीके सीए ललित, डॉक्टर सतीश गुप्ता, बीके अमरदीप ने भी अपने विचार व्यक्त किए। रक्तदान में 20 साल के युवा से लेकर 50 साल के वरिष्ठ लोगों ने उत्साह दिखाया। हर कोई रक्तदान और अपना नंबर आने के लिए बेसब्री से इंतजार करता दिखा। इन सभी का कहना था कि दादी जी की पुण्यतिथि पर आयोजित शिविर में रक्तदान करने का सौभाग्य मिला है, इससे उन्हें खुशी मिल रही है। पतंजलि आयुर्वेद के आचार्य बालकृष्ण महाराज ने संस्था के अतिरिक्त महासचिव राजोगी बीके ब्रिजमोहन भाई से स्नेह भरी मुलाकात की। आगे उन्होंने माउंट आबू में पांडव भवन स्थित ब्रह्मा बाबा की स्मृति में बने शांति स्तंभ पर कुछ क्षण मौन रहकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं आगे हिस्ट्री हॉल में संस्था के इतिहास को जाना। इसी कड़ी में ज्ञान सरोवर एकेडमी पहुंच युगों का ज्ञान समझा। उन्हें राजयोग की भी जानकारी दी गई। ज्ञान सरोवर की सह निदेशिका बीके प्रभा ने उन्हें शॉल उड़ाकर सम्मानित किया एवं ईश्वरीय ज्ञान की चर्चा की। सेट विंग के सम्मेलन का ज्ञान सरोवर में भव्य आगाज। ज्ञान सरोवर एकेडमी परिसर में शिपिंग, एविएशन एवं टूरिज्म प्रभाग की ओर से आध्यात्मिक सशक्तिकरण यात्रा विषय पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का भव्य उद्घाटन सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर ज्ञान सरोवर की सह निदेशिका बीके प्रभा और मीडिया प्रमुख बीके करुणा भाई ने अपने आशीर्वचनों से सभी को लाभान्वित किया। तो परम पिता परमात्मा शिव पिता का ये घर है, आप सभी आज अपने घर में आए और अपने घर में आकर के आप जरूर अपने घर को एंजॉय करेंगे। एक बात यहाँ हमको पक्का कराया जाता है कि इस सृष्टि का एक नियम है, लॉ ऑफ एक्शन कहते हैं, कर्म जो हम करते हैं इक्वल एंड ऑपोजिट हमको वो मिलता है। सम्मेलन में मुख्य अतिथियों में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जॉइंट सेक्रेटरी राजीव कुमार, विशाखापट्टनम से स्मॉल शिप्स एवं लाइट हाउस डीटीई डायरेक्टर मुकेश परमार, दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में सिक्योरिटी के डीजीएम हरिपाल सिंह ने भी विषय के तहत अपने भाव व्यक्त किए। मैंने ये महसूस किया कि साइंस की चीजें, साइंस के द्वारा की गई प्रोग्रेस आपको बाहर की मेटलिस्टिक दुनिया की हर चीज उपलब्ध करा सकती है, लेकिन शांति, शांति कहाँ से मिलेगी? शांति और दिव्य गुणों का आईना दिखाने वाली ये संस्था, ब्रह्माकुमारी संस्था, हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इनर वॉइस क्यों इम्पोर्टेंट है? जैसे किसी भी यात्रा के लिए हाईवे कितना भी अच्छा हो, 4 लेन हो, 6 लेन हो, व्हीकल कितना भी अच्छा हो, कितने फीचर वाला हो, महंगा हो, लेकिन जब तक ड्राइवर अच्छा नहीं होगा, जब तक उसकी यात्रा की सफलता पे विश्वास करना थोड़ा कठिन होगा। ऐसे ही जो हमारी इस जीवन की यात्रा है, इस शरीर की जो यात्रा है, इसके जन्म से मृत्यु तक की, इसके लिए इसका जो ड्राइवर है हमारी चेतना, हमारा मन, उसको
ट्रेंड करने की आवश्यकता है। ये विषय हमें यही शिक्षा देता है इनर वॉइस, जो मुझे समझ में आया अभी तक। आगे प्रभाग के अध्यक्ष बी के मीरा ने कहा कि जीवन एक यात्रा है, बीती यात्रा की बातों को बीता समझ वर्तमान के सुनहरे पलों को व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए, जिससे स्ट्रेस फ्री लाइफ सहज अनुभव की जा सकती है। आगे प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजिका बीके कमलेश, मुख्यालय संयोजक बीके संतोष समेत अन्य बीके सदस्यों ने भी अपने विचार साझा किए। वैसे तो कहा जाता है ऑल ऑफ अस We love to travel outside, but when we travel outside, we use our energy. When we travel inside, we get our energy, we receive our energy. हमें ये ऊंची उड़ान भरनी है, या हमें अगर अपनी मंजिल को प्राप्त करना है, तो उसके लिए हमें ये आंतरिक यात्रा कैसे करनी है, वो हमें अवश्य सीखना होगा। जो डेफिनेटली हमारे जीवन में खुशियां लाएगी। कार्यक्रम में शिपिंग एविएशन एवं टूरिज्म प्रभाग के बैनर तले चल रहे राष्ट्रीय सम्मेलन के तहत कलाकारों द्वारा सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गईं। उत्तराखंड के हरिद्वार सेवा केंद्र पर रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में संत महात्माओं ने शिरकत की। रक्षाबंधन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परमहंस आचार्य ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर श्री देवानंद सरस्वती जी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर मुक्तानंद पुरी जी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी कर्णपाल गिरी जी महाराज, महामंडलेश्वर प्रबोधानंद गिरी जी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी अभिषेक चैतन्य जी महाराज समेत अन्य महात्माओं ने भी अपने दिल के उद्गार रखे एवं संस्था की जमकर प्रशंसा की। सभी का यही कहना था कि हमारी संस्कृति, वैदिक संस्कृति, हमारे त्योहार, यह सब हमारी धरोहर है, परंतु यह धर्म ग्लानी का समय है, इसलिए सबसे पहले संस्कृति की जड़ों को मजबूत करना होगा, जैसे यह ब्रह्मा कुमारी बहनें भारतीय संस्कृति को मजबूत कर रही हैं। वरिष्ठ आयोजक शिक्षिका बीके मंजू ने सभी संत महात्माओं की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। इस अवसर पर बीके सुशील, बीके मीना ने भी अपने विचार व्यक्त किए। दिल्ली के लोधी रोड सेवा केंद्र द्वारा गेल इंडिया लिमिटेड, जो की भारत सरकार की शीर्ष कंपनी है, इसमें तनाव मुक्त जीवन शैली विषय पर युवा अधिकारियों के लिए गोष्ठी का आयोजन हुआ। लोधी रोड सेवा केंद्र से वरिष्ठ आयोजक शिक्षक बीके पीयूष ने मुख्य वक्ता के तौर पर उपस्थित रहकर कहा कि तनाव का प्रमुख कारण हमारी अव्यवस्थित दिनचर्या है। प्रातः शीघ्र उठकर यदि हम ध्यान योग के साथ अपने दिन का शुभारंभ करें तो अवश्य ही तनाव का स्तर कम किया जा सकता है। मोबाइल आदि का सीमित उपयोग करने से हम तनाव प्रबंधन कर सकते हैं। तत्पश्चात प्रतिभागियों को ग्रुप एक्टिविटी कराई गई, प्रश्न उत्तर हुए एवं सामूहिक योगाभ्यास कराया गया। प्रतिभागियों ने कार्यशाला को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया तथा ऐसे आयोजन भविष्य में भी कराते रहने का अनुरोध किया। Balance means I have to pay little attention on my software also, that's all. Okay? So whatever time you get up in the morning, the first thought of the day will decide how your day is going to be. If you wish, you can make a note of that thought. Last thought of the day will decide the quality of your sleep. What we take is all external things which are coming to our mind that can be positive, that can be negative, but more negative things come to our mind. We used to overthink, and then this is the starting point of the stress. नोएडा में शारदा यूनिवर्सिटी के नए शैक्षणिक सत्र के ओरिएंटेशन प्रोग्राम में ब्रह्मा कुमारी नोएडा सेक्टर 48 से बीके रुचि ने विद्यार्थी जीवन में राजयोग मेडिटेशन के महत्व को बताते हुए सभी को मेडिटेशन द्वारा सुखद अनुभूति कराई। इस सत्र में बेसिक साइंस के सभी विद्यार्थियों ने भाग लिया। वहीं बीके रुचि ने बताया कि अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत करके ही श्रेष्ठ विचारों द्वारा जीवन को सशक्त बनाया जा सकता है। विद्यार्थियों के साथ साथ सभी शिक्षकों ने भी इसका लाभ लिया। अंत में शिक्षकों को ईश्वरीय संदेश और ईश्वरीय सौगात भेंट कर राखी के पर्व का आध्यात्मिक रहस्य बताया गया और शारदा यूनिवर्सिटी के डीन प्रोफेसर एस के बनर्जी को राखी बांधी। उन्होंने ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा की जाने वाली सेवाओं की सराहना की और मुख्यालय में आने के लिए निमंत्रण को स्वीकार किया। इस रक्षाबंधन पर्व पर राजधानी में लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों को भी परमात्म प्यार का रक्षा सूत्र बांधकर मुख मीठा कराया गया एवं ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। राज्यसभा सदस्यों में हिमाचल से सिकंदर कुमार, हरियाणा से सुभाष बराला, राजस्थान से चुन्नीलाल गरासिया, हिमाचल से इंदुबाला गोस्वामी, राजस्थान से राजेंद्र गहलोत,
महाराष्ट्र से डॉक्टर मेधा विक्रम कुलकर्णी और लुधियाना से संजीव अरोड़ा को ओआरसी की राज्य शिक्षिका बीके सुनैना, बीके निकिता और बीके रेखा ने राखी बांधी। इस अवसर पर बीके दीपेश और बीके राजेंद्र भी मौजूद थे। इसी कड़ी में लोकसभा सदस्य अनुराग ठाकुर, यूसुफ पठान, दामोदर अग्रवाल, के गोपीनाथ, चंद्र प्रकाश चौधरी, संजय देशमुख समेत करीब 20 लोकसभा सदस्यों ने बीके बहनों से राखी बंधवाई। नीमच के पावन धाम परिसर में भी 700 से अधिक बीके सदस्यों को राष्ट्र प्रेम एवं आध्यात्मिक स्वोन्नति की शपथ दिलाई गई। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से विधायक दिलीप सिंह परिहार, जिला कलेक्टर हिमांशु चंद्रा, कमांडेंट सीटीसी वेद प्रकाश, नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा, वैश्य महासम्मेलन के संभागीय अध्यक्ष एवं वरिष्ठ भाजपा नेता संतोष चोपड़ा, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष हेमंत हरित, भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन सिंह राणावत, वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र सेठी, पूर्व पार्षद विनीत पाटनी, समाज सेवी वासुदेव गर्ग आदि के अलावा संस्थान से जुड़े चिकित्सकों एवं अनेकानेक व्यापारियों को भी ईश्वरीय रक्षा सूत्र बांधकर पर्व की बधाइयां दी गई। वरिष्ठ राजयोगी बीके सुरेंद्र एवं स्थानीय प्रभारी बीके सविता के निर्देशन में यह आयोजन सफल रहा। रक्षाबंधन पर्व पर दिल्ली में वसंत विहार सेवा केंद्र द्वारा राजयोग शिक्षिका बीके कल्पना, बीके ममता और अन्य बीके बहनों ने दिल्ली के कई इलाकों में फ्लाईओवर के नीचे रहने वाले गरीब लोगों और बच्चों को तिलक लगाकर राखी बांधी और उन्हें ईश्वरीय संदेश दिया। प्रसाद के साथ साथ बिस्किट्स भी वितरित किए गए। साथ में सहयोगी बीके जयंत, बीके विजयपाल और बीके दिलीप भी उपस्थित थे। वसंत विहार के आसपास के कई पुल जैसे कि वसंत विहार फ्लाईओवर, वसंत गांव फ्लाईओवर, मुनीर का फ्लाईओवर, आईआईटी फ्लाईओवर, बीकाजी कामा प्लेस फ्लाईओवर और महिपालपुर फ्लाईओवर के नीचे रहने वाले गरीब लोगों को सेवा प्रदान की गई। वसंत विहार सेवा केंद्र प्रभारी बीके शीरा के मार्गदर्शन में यह आयोजन सफल रहा। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर भुवनेश्वर यूनिट 8 सेवा केंद्र की ओर से सीआरपीएफ कैंपस में ऑफिसर्स तथा जवानों की कलाई पर रक्षा का सूत्र बांधा गया। स्थानीय प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी ने हॉल में अपने सामने बैठे सीआरपीएफ अधिकारियों और जवानों की एक बड़ी भीड़ को संबोधित किया। रक्षाबंधन की प्रासंगिकता और आत्मा के साथ परमपिता परमात्मा के संबंध के बारे में बताया। अंत में मेडिटेशन का अभ्यास कराया गया और कमांडेंट आनंद झा के साथ साथ सभी अफसर और जवानों को तिलक लगाकर रक्षा सूत्र बांधा। आपको जैसा कि पता है कि रक्षाबंधन भाई और बहन के प्रेम के प्रतीक है और इस अवसर पर यहाँ पर इनका आना और हमारे जवानों के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना हमारे लिए भी बहुत गर्व और सौभाग्य की बात है और हमें अपने कर्तव्य से भी परिचय दोबारा करा देती है कि हमें अपने बहनों के प्रति उनकी सुरक्षा के प्रति जागरूक रखना है और उनका सम्मान बढ़ाना है। आज पवित्र रक्षाबंधन त्यौहार है जिसे हमारा देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्यौहार भाई बहन का स्नेह और प्यार का प्रतीक है। जिस दिन बहन अपने भाई के कलाई पर राखी बांधता है और बदले में भाई उसको जीवन भर के लिए उसका रक्षा करने के लिए प्रॉमिस करता है। इसी तरह मध्य प्रदेश के छतरपुर के पुलिस कार्यालय, पुलिस लाइन, थानों, कार्यालयों में भी रक्षाबंधन मनाकर एकता और भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित किया गया। पुलिस कॉन्फ्रेंस हॉल में किशोर सागर सेवा केंद्र द्वारा ब्रह्मा कुमारी बहनों ने पुलिस अधीक्षक सहित सभी पुलिस कर्मियों को राखी बांधी। पुलिस अधीक्षक अगम जैन, रक्षित निरीक्षक पूर्णिमा मिश्रा, सूबेदार प्रभा सिलावट समेत सभी को शुभकामनाएं दी गईं। बीके रीना, बीके कल्पना, बीके सुमन एवं छतरपुर पुलिस इकाई के सभी पुलिस कर्मी उपस्थित रहे। सिविल लाइन थाना में भी प्रभारी वाल्मीकि चौबे सहित सभी पुलिस स्टाफ की उपस्थिति में तत्पश्चात 25 MPBN छतरपुर में NCC कैडेट्स एवं कमांडेंट्स को रक्षा सूत्र बांधा गया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।